हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज मैं डिफिन बेकिया की कटिंग को लगाने जा रही थी। यह बहुत ही एक खूबसूरत प्लांट होता है, रूम के अंदर और बाहर दोनों हम इसको रख सकते हैं। यह अपने मोटे तने और पत्तियों में पानी को ऑब्जर्व करके रखता है, तो इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी से वेल ड्रेन बनाए तो बहुत ही अच्छी तरह से यह पौधा चलता रहता है और इसको ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। साल में दो बार खाद डालें तो बहुत ही इसके लिए काफ़ी होती है। और यह मॉइस्ट मिट्टी पसंद करता है, तो इसकी मिट्टी में नमी थोड़ी थोड़ी बनाए रखें तो ये पौधा बहुत ही अच्छी तरह से बना रहेगा। तो इसकी कटिंग को जब भी ले तो 3 से 4 इंच की कटिंग को ले तो यह कटिंग आसानी से लग जाती है। मेरा पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैं 2 ही कटिंग ले रही हूँ। एक कट करने के बाद उसमें से 2 मैं काट लूँगी तो 2 कटिंग हो जाएगी। और इसमें जब भी कट लगाए तो मदर प्लांट और कटिंग दोनों में ही फंगीसाइड को लगाए तो पौधा खराब नहीं होगा। और देखिए, जहाँ से लाइनिंग है गोल गोल, उसके बीच से कटिंग को काटे तो बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग लग जाती है, लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो देखिए, मैं फंगीसाइड लगा ले रही हूँ दोनों ही कटिंग में, तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी कटिंग, अभी मानसून का मौसम है, कोई भी कटिंग लगाएं, किसी भी पौधे की लगाएं तो लग जाएगी। या जब भी कटिंग को लगाएं तो छाया में रखें, धूप उप में भी ना रखें, तो ना ही जहाँ बारिश का पानी हो रहा है वहाँ रखें, तो कटिंग होने सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहता है, ख़राब नहीं होगी। और मैंने इसके लिए ऐसी मिट्टी ली है जिसमें नारियल के छिलकों को मैंने रखा था, तो वह पूरी तरह से गल गया है और मिट्टी एकदम से हल्की हो गई, एकदम सॉफ्ट मिट्टी है। तो इसी में मैं कटिंग को लगा रही हूँ, तो कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से इसमें लग जाएगी क्योंकि मिट्टी बहुत ही हल्की है। ना ही मैंने इसमें रेत डाला है, ना कुछ और डाला है, सिंपल सी मिट्टी मैं ले रही हूँ और उसी में मैं कटिंग को लगा रही हूँ। और कटिंग को लगाने के लिए मैं बहुत ही छोटे गमले का यूज कर रही हूँ। ज़्यादा बड़ा गमला लेने पर कटिंग में ज़्यादा पानी रहेगा मिट्टी में जमा, तो कटिंग फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब भी कटिंग लगाएं छोटे से ही गमले में लगाएं तो ज़्यादा, या पॉली बैग में लगाएं तो बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग सक्सेस हो जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी कटिंग को लगा दिया है और हल्के हाथों से इसको मैं दबा दूँगी, ज़्यादा नहीं, मिट्टी के अंदर इसको मैं डालूँगी, हल्के हल्के हाथों से मैं इसको दबाती हूँ तो बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और एक जो कटिंग है उसकी मैं 1-2 पत्तियों को निकाल दूँगी ताकि कटिंग पे ज़्यादा लोड ना रहे और यह अपनी ग्रोथ को, कटिंग को सक्सेस करने में लगाए एनर्जी पूरी तरह से अपनी। तो देखिए, दोनों ही कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से मैंने लगा ली है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी तो बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग लग जाएगी 15 से 20 दिन में ही। अभी बारिश का मौसम में बहुत ही जल्दी ग्रोथ होता है। आप सबको मैं पूरी अपडेट के साथ दिखा रही हूँ। 20 दिन पहले ही मैंने दूसरे प्लांट की कटिंग को लगाया था, तो देखिए उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि 20 दिन में ही इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो कटिंग लगाइए मानसून में, बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।